अपनी कलम की ताकत से हरियाणवी गीतों को एक अलग मुकाम दिलाने वाले, पूरे देश में हरियाणवी डीजे गीतों से धूम मचाने वाले, एक से एक हिट गीत देकर डीजे किंग कहलाने वाले मशहूर लेखक, मॉडल, भूतपूर्व सैनिक अजय हुड्डा को हरियाणा बीट्स की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय हुड्डा का जन्म 6 अक्टूबर 1983 के दिन रोहतक जिले के खिडवाली गांव में हुआ। इनके पिताजी एक फौजी थे और उनके अलावा परिवार में लगभग सभी लोग सेना में नौकरी करते थे। एक बड़ा और संयुक्त परिवार होने के कारण अजय हुड्डा का बचपन पढ़ाई के साथ साथ खेतों में काम करने में ज्यादा बीता। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद परिवार की परंपरा को देखते हुए इन्होंने भी भारतीय सेना में अपनी सेवा देनी शुरू कर दी। सेना में ट्रेनिंग के दौरान इनके कदकाठी और तेज तर्रार स्वभाव को देखते हुए सेना के बॉक्सर कोच ने इन्हें बॉक्सिंग करने को प्रेरित किया। बॉक्सिंग में अजय ने अपने पंजों का खूब जोर दिखाया और कई बार अपनी बटालियन के लिए मेडल जीते, जिनमें वर्ल्ड आर्मी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इन्होंने भारतीय सेना का नाम ऊंचा किया। लगभग 8-9 साल बॉक्सिंग करने के बाद एक दुर्घटना होने के कारण इन्हें बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। अजय हुड्डा को लिखने का शौक बचपन से ही था और यही शौक इन्होंने अपनी सेना की नौकरी में भी बरकरार रखा। वहाँ पर चिट्ठियों को रागनी के अंदाज में लिखने लगे और धीरे धीरे इनका ये अंदाज पूरी बटालियन में मशहूर हो गया और साथ ही सैनिक भी इनसे अपनी चिट्ठियाँ लिखवाने लगे। साथ ही इनकी लिखी रागनियों को साथ ही फौजी कलाकार गाने भी लगे, जिससे अजय को बड़ा हौसला मिला और इन्होंने इस रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। सन 2011 में भाई की सलाह पर इन्होंने मंजीत पांचाल से मुलाकात की, जहां मंजीत पांचाल ने इन्हें इस फील्ड में आगे बढ़ने के गुर दिए। अजय हुड्डा मंजीत पांचाल को अपना गुरु मानकर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में कूद पड़े और फिर इनकी पहली एल्बम आई, जिसमें इन्होंने पैसे भी लगाए, लेखन भी किया और एक्ट भी। वो एल्बम थी लव गुरु। इस एल्बम को करने के बाद इन्होंने थोड़े दिन का ब्रेक लिया, क्योंकि इससे इन्हें कुछ कमाई नहीं हुई। अब अजय हुड्डा ने सोच लिया कि काम ऐसा करना है जिससे नाम भी हो और कुछ आर्थिक लाभ भी। इसी सोच को लेते हुए इन्होंने एक गीत लिखा और उसमें एक्ट भी किया। ये गाना उस वक्त का हरियाणा का सबसे बड़ा हिट गाना साबित हुआ, जिसका नाम था ओल्हा। ओल्हा गाने की सफलता के बाद अजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनका अगला गाना आया तेरे रेट बढ़ गए, जिसमें इन्होंने ओल्हा में अपनी साथी कलाकार रही पूजा हुड्डा के साथ काम किया। ये गाना भी बड़ा हिट गाना साबित हुआ के बाद लगातार इनके गीत आते रहे और डीजे पर धूम मचाते रहे। इसी कारण से अजय हुड्डा को डीजे किंग के नाम से मशहूरी मिली। लगभग पूरे उत्तर भारत में कोई भी डीजे पार्टी अजय के गीतों के बगैर पूरी नहीं हुई। पूजा हुड्डा के साथ इनकी जोड़ी खूब हिट रही, जिसमें ओल्हा, रेट बढ़ गए, घोड़ी बरगी चाल और जाट जाटनी बड़े हिट साबित हुए। खेत के मजाट होवे, नीचे लीला साठ होवे। डीजे गीतों के साथ साथ अजय हुड्डा ने देशभक्ति से और हरियाणा की माटी को मान देते हुए भी कई गीत बनाए, जिसमें लाडला, भगत सिंह, मारा हरियाणा शुरुआती गीत थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2017 में अजय हुड्डा ने हरियाणवी संस्कृति और संस्कारों को बढ़ाने वाला एक बड़ा और सुंदर गीत दिया। इस गीत ने अजय हुड्डा को बड़ा सम्मान दिलाया। इसी गीत के कारण इन्हें वर्तमान सरकार के साथ साथ अनेक हस्तियों ने आशीर्वाद और सम्मान दिया। इनका ये गीत हरियाणा की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भी कई बार बजाया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं ये मशहूर गीत। हरियाणा की मशहूर सिंगर और मॉडल अन्नू कादियान ने पहली बार अजय हुड्डा का लिखा गीत मौका सौका गाया। इसके बाद मारा हरियाणा गीत भी अजय ने ही लिखा। अन्नू कादियान इनके काम से बड़ी प्रभावित हुई और दोनों ने एक साथ काम करने का फैसला लिया।
और फिर आया हरियाणा का सबसे सुपर हिट गीत तागड़ी। तागड़ी गाने के बाद अजय और अन्नू की जोड़ी ने एक और गीत हरियाणा को दिया, जिसमें दोनों ने मॉडलिंग की। ये गाना भी सुपर हिट साबित हुआ। गीत का नाम है गन। वीडियो गानों के साथ साथ अजय हुडा स्टेज प्रोग्राम्स में भी जाते रहते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सिंगर ना होते हुए भी स्टेज पर इनकी मौजूदगी दर्शकों के लिए बड़ी खुशनुमा होती है। स्टेज प्रोग्राम के क्षेत्र में अजय हुडा को कुंजपुरा सैनिक स्कूल के एक विशेष प्रोग्राम में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, जहां पर सेना के बड़े अधिकारियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुडा के सामने इन्होंने कई गीतों पर एक्ट किया और बड़ा मान सम्मान पाया। अजय हुडा का मानना है कि ज्यादा गीत निकालने की बजाय साल में एक दो गीत आप अच्छे स्तर पर और अच्छी टीम के साथ करते हो तो वो ही आपको पहचान दिलाने के लिए काफी है। छोड़ डीओपी विकास सिंगरोहा को वो अपनी टीम का सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं। इनके लगभग हर गाने में विकास सिंगरोहा ही डीओपी रहते हैं। वर्तमान में अजय हुडा सेना से रिटायरमेंट ले चुके हैं और अपना पूरा वक्त अपनी कला को दे रहे हैं। कला के इस सफर में सेना के साथियों ने बड़ा सहयोग और प्यार अजय हुडा को दिया। इसके साथ साथ परिवार वालों का सहयोग भी अजय को मिलता रहा। आजकल गजेंद्र फोगाट के साथ एक नए गीत की तैयारी कर रहे हैं अजय हुडा, और इसके अलावा हरियाणवी को मान सम्मान दिलाने के लिए एक हरियाणवी फिल्म पर कार्य कर रहे हैं। हरियाणा बीट्स एक बार फिर से हरियाणा के इस महान कलाकार को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि अजय ऐसे ही धूम मचाते रहें और हरियाणवी बोली का मान सम्मान बढ़ाते रहें।